चार दिनों से लगातार बैठे पार्षद धरने पर, आज आंदोलन को तेज करते हुए तीन पार्षद बैठे कार्मिक अनशन पर। आज नहीं तो कल खुदेगी। इयो बच्चू हाय हाय, हाय 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 हाय। इयो बच्चू हाय हाय, हाय हाय हाय। रायसा नगर पालिका पार्षदों का धरना लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। आज आंदोलन को तेज करते हुए तीन पार्षद सुनील कुमार, अशोक कुमार, जगदीश कड़ेला बैठे कार्मिक अनशन पर। पार्षदों व पालिका उपाध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका प्रशासन व नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा लगभग 5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया, वहीं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आज धरने पर पूर्व सांसद भरत राम मेघवाल व पूर्व विधायक सोना देवी बावरी धरने पर पहुंचे, जहां पर पार्षदों ने अपनी मांगों को लेकर दोनों पूर्व जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा गया, जहां पर पूर्व विधायक व पूर्व सांसद ने समस्या का हल करवाने का भरोसा दिलाया और पूर्व सांसद ने कहा कि पार्षदों की आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँच जाएगी, क्योंकि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस के ही पार्षद धरने पर बैठे हैं। रायसा नगर से संवाददाता महेश बिश्नोई के साथ मैं आशु मेघवाल। पालिका के रायसा नगर नगर पालिका के पार्षदगण 3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। चौथा दिन है, 3 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए। उनकी कुछ 10 सूत्रीय मांगे हैं, बिल्कुल इन्होंने जो मांग रखी है मैं सरकार तक पहुँचाऊँगी। जो शिकायतें हो रही हैं भ्रष्टाचार की हो रही है, ईओ अनदेखी कर रहा है हमारे पार्षदों के साथ, और हरीश डाबी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे जो पार्षद यहाँ धरने पर बैठे हैं, इनके समर्थन में मैं आज इनके पीछे पहुँचा हूँ और मैं सरकार से भी बात करूँगा और ज़िले के एसपी और कलेक्टर साहब से भी बात करूँगा, और जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो जांच है, वो हम पूरे नेता निष्पक्ष जांच करवाएंगे। जो भी दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ जो हमें कार्रवाई करवाएंगे। और आज मुझे बड़ा दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारी सरकार है राजस्थान के अंदर और हमारे पार्षद यहाँ धरने पर बैठे हैं और ईओ इनके साथ अनदेखी जो कर रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। सरकार ने जो है ये अभियान चला रखा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत देने के लिए, पट्टे देने के लिए, उनके खातेदारी हक देने के लिए सारी सुविधा जो है सरकार ने चला रखी है अभियान के माध्यम से, और ये मिलकर नगर पालिका प्रशासन जो है हमारे अभियान को जो फेल करने की जो कोशिश कर रहा है, ये हम कतई नहीं होने देंगे। इनके साथ पार्षदों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर इनकी बात आगे सीएम साहब तक भी पहुँचाएंगे और मंत्री जी से पहुँचाएंगे और इनकी बात रखेंगे और इनकी जायज जो मांग है वो हम बिल्कुल मंगवाएंगे। और ईओ साहब जो हमारे पार्षदों के साथ अनदेखी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त हम कार्रवाई करवाएंगे, ये आपसे मैं निवेदन करता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी पार्षद साथियों का, जो निर्दलीय और बीजेपी के लोग जो हमारे कांग्रेस के अंदर मिले हैं, कांग्रेस को इन्होंने मजबूत किया है। हरीश डाबी जी के नेतृत्व में ये जो काम हुआ है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं कह रहा हूँ पार्षद साहब से और डाबी साहब से कि हम आपके साथ हैं, कतई किसी प्रकार का आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे।